हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 19 अप्रैल 2018 की प्रीलिम्स एडिटर सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू और पीआईबी की इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज का सबसे पहला जो आर्टिकल आया है वह है मिशन बुनियाद के बारे में। तो इसके बारे में जो कंटेक्स्ट है उसे हम यहाँ पे देखने की पूरी पूरी कोशिश है वो करेंगे। तो इसके बारे में जो पॉइंट्स है वो एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखो, मिशन बुनियाद है, यह मेनली दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया अभी कैंपेन है। तो इसके बारे में देखते हैं क्या पॉइंट्स आते हैं। हमारे देश में देखो, जो बच्चे हैं थर्ड क्लास से लेकर 9th क्लास तक के बच्चे, वो एक्चुअली मैथ्स में काफ़ी वीक हैं। मतलब हमारे देश में ऑल ओवर देखा जाए तो जो स्टेट की बात हुई दिल्ली की, बच्चे मैथ्स में काफ़ी वीक होते हैं। तो इसकी वजह से गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है, अभी दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्टिंग की गई है कि भाई बच्चों को जो भी ये समर वेकेशन होती है ना, अप्रैल मई जून के टाइम पे जो भी स्कूलों की वेकेशन होती है इस टाइम पे, तो उस टाइम पे बच्चों को क्या है कि 2 से 3 ओवर डेली बुला के और उनको मतलब मैथ्स की एजुकेशन है वो दी जाएगी, ताकि बच्चे जो मैथ्स में वीक हैं उनको वहाँ पर उनका बेस है वो स्ट्रॉन्ग किया जा सके। मतलब मैथ और उनकी जो रीडिंग स्किल है उसको इम्प्रूव करने के लिए दिल्ली और अदर स्टेट में भी इस प्रोग्राम को आगे स्टार्ट है वो किया जाएगा। तो अभी दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा इसकी स्टार्टिंग वो की गई है। तो यूपीएससी पूछ सकती है मिशन बुनियाद के बारे में, तो ये थोड़ा हमें ध्यान रखने की मिशन बुनियाद है क्या। अब चलते हैं हम आगे। अगला जो आर्टिकल है वो है दर्पण पीएलआई एप्लीकेशन के बारे में। तो दर्पण पीएलआई जो एप्लीकेशन है वो है एक्चुअली दर्पण पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस एप्लीकेशन। तो यह एक्चुअली हमारे देश में डिजिटल इंडिया का जो प्रोग्राम चलाया गया है गवर्नमेंट द्वारा, उसको आगे बढ़ाने के लिए, मतलब डिजिटलाइजेशन को आगे प्रमोट करने के लिए एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, कैंपेन स्टार्ट किया गया है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के रूप में। है क्या इसमें? इसमें देखो, जो भी गवर्नमेंट पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस एक तरीके से बेचती है, सेल करती है, ताकि लोगों को इंश्योरेंस वगैरह वो प्रोवाइड की जा सके। अब बात ऐसे कि लोग क्या कि प्रीमियम वगैरह देने में काफ़ी इश्यूज होते हैं, कई बार पोस्ट ऑफिस जा नहीं पाते हैं, या कई बार काफ़ी दूरी होती है, कई बार वीकी वगैरह की छुट्टीज वगैरह जाती हैं। तो इस कंडीशन में यह प्रावधान किया गया है कि भाई जो भी पोस्ट और जो लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम होता है वो ऑनलाइन है वो क्लेट किया जाएगा। मतलब इस एप्लीकेशन के थ्रू जो भी कस्टमर हैं वो अपना प्रीमियम वगैरह वो गवर्नमेंट को पे कर सकते हैं। इसके साथ ही जो रूरल एरिया में जो पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज वगैरह हैं वो भी सब इसके थ्रू सेल की जाएंगी। तो डिजिटलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए जो लाइफ इंश्योरेंस है पोस्टल ऑफिस की, उनको प्रमोट करने के लिए दर्पण पीएलआई एप्लीकेशन है गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो यूएनएससी रिजोल्यूशन 1540 के बारे में, 1540। तो है क्या इसके बारे में देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रिजोल्यूशन है, इसके बारे में थोड़ा हम देखो एक बार ब्रीफली सी देख लेते हैं। देखो, बात ऐसी है कि 2004 में यह रिजोल्यूशन है वो पास किया गया था। क्या इस प्रावधान था इसमें वो हम एक बार देखते हैं। देखो, 2004 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने ये चीज़ मतलब सोची कि यार क्यों ना हमारे मतलब पूरे विश्व में ही केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन है वो एक दो कंट्री सब कंट्रीज होड़ में बनाती जा रही हैं, तो अगर अगर हमने इन्हें रेगुलेट नहीं किया तो पूरे विश्व पे गंभीर समस्या वो आ सकती है। और सबसे बड़ा इशू तो ये था कि अगर ये केमिकल बायोलॉजिकल और जो न्यूक्लियर वेपन है ना, अगर ये किसी प्राइवेट एजेंसी या फिर किसी आतंकी संगठन को मिल गए तो ज़्यादा नुकसान हो सकता है और तबाही बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो मतलब केमिकल जो बायोलॉजिकल और न्यूक्लियर वेपन है, तीनों तरह के वेपन, ये किसी नॉन स्टेट जो एक्टर से इसके पास न पहुंचे, इसके लिए बाइंडिंग ट्रीटी है वो साइन की गई थी 2004 में। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के दौरान ये बात है वो फिक्स की गई थी 2004 के दौरान। और इसी दौरान एक्चुअली जो रिजोल्यूशन पास किया गया था उसका नाम है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन 1540। तो ये ध्यान रखना है, एक तो सबसे बड़ी बात है कि बाइंडिंग था। अब देखो, बात ऐसी है, उस टाइम पे इसको बाइंडिंग तो बना दिया गया और रिजोल्यूशन भी पास कर दिया गया, बट हुआ क्या कि इसको एक्टिव फॉर्म में नहीं लाया गया, केवल कागजी कार्रवाई पूरी कर दी गई, बाकी बस हाँ कि हाँ ठीक है हम करेंगे, पर आगे करेंगे कब से वो कोई बात उस टाइम पे क्लियर हो नहीं की गई थी। यहाँ पे नॉन स्टेट एक्टर्स का मतलब ये है कि जैसे प्राइवेट कोई बॉडी हो गई या फिर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो गया या फिर कोई आतंकी संगठन, मतलब देश की गवर्नमेंट के पास तो हो सकते हैं बट बाकी कोई भी इन चीज़ों को ना मिले, कोई भी इनका मिसयूज ना हो सके। क्योंकि देखो, जो केमिकल और जो बायोलॉजिकल वेपन्स होते हैं ना, इनसे भारी नुकसान भारी तबाही होती है, तो इसीलिए प्रावधान वो किया गया था। अब बात ऐसी है, इसके बाद में हुआ क्या, जर्मनी ने 2012 में देखा कि भाई ऐसे तो कोई बात बन नहीं रही है, हमें कुछ ना कुछ हमें कुछ कर लेना चाहिए। तो जर्मनी ने 2004 में क्या किया, इस प्रोसेस को लागू करने के लिए वाइस बैडन प्रोसेस या वाइस बैडन कॉन्फ्रेंस है वो आयोजित की थी। तो अभी कंटेक्स्ट यह था कि वाइस बैडन जो कॉन्फ्रेंस है उसके बारे में मीटिंग वगैरह को लेकर कंटेक्स्ट है वो आया है, तो वो हम यहाँ पे अब देख लेते हैं कि वाइस बैडन प्रोसेस या कॉन्फ्रेंस है क्या। तो ये ध्यान रखना आपको कि 2012 में जर्मनी ने जो 1540 का रिजोल्यूशन पास हुआ था इसको आगे एक्टिव फॉर्म में ला दिया था कि हाँ भैया इसे आगे इंप्लीमेंट करते हैं, बातचीत करने से सिर्फ कुछ नहीं होने वाला है। अब हुआ क्या, कंटेक्स्ट कुछ ऐसा था कि अभी जो न्यूज़पेपर में है वो ये है था
कि रिसेंटली इसकी जो कॉन्फ्रेंस है ना, जो वाइस बैडन कॉन्फ्रेंस की, वो एक्चुअली इंडिया में होस्ट की गई है, 2018 की कॉन्फ्रेंस थी। तो किस किस ने होस्ट किया है इसको, वो भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। एक तो क्या है, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिसआर्मामेंट अफेयर्स, इसके साथ इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री, और इसी के साथ जर्मनी की गवर्नमेंट, और इसी के साथ इंडिया का एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडस्ट्री का, जिसका नाम है फिक्की, FICCI। तो इन चारों ने मिलकर इसको ऑर्गेनाइज है, वो इंडिया में किया है। तो एक तो यूपीएससी ये पूछ सकती है कि रिसेंट वाइस बैडन जो कॉन्फ्रेंस है वो कहाँ पे आयोजित हुई है, तो वो इंडिया में आयोजित हुई है। ये पूछ सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन 1540 है क्या, तो ये हमने देख लिया लीगली बाइंडिंग है, और इसको जो वास बेडन कॉन्फ्रेंस हुई थी जर्मनी में 2012 के दौरान, उस दौरान इसे इंप्लीमेंट है, वो किया गया था। तो इसके बारे में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपको थोड़ा इसके बारे में ध्यान रखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट है वो एक्चुअली वर्ल्ड हेरिटेज डे के बारे में है। तो देख लेते हैं कंटेक्स्ट क्या है, कंटेक्स्ट एक्चुअली एक सेकेंड, वर्ल्ड हेरिटेज डे के बारे में जो पॉइंट्स आते हैं वो यहाँ पे हम एक इसमें देखो, ये कि इसका 18 अप्रैल को एक्चुअली वर्ल्ड हेरिटेज डे है वो मनाया गया था, तो उसी मौके पे इस बार की थीम क्या है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो इस बार की वर्ल्ड हेरिटेज डे की थीम थी, वो थी हेरिटेज फॉर जनरेशन के। तो ये थीम हमें ध्यान रखनी, यूपीएससी थीम वगैरह के ऊपर आपको पता है बहुत क्वेश्चन पूछती है। अब ये किसने रिकॉग्नाइज किया था भाई वर्ल्ड हेरिटेज डे हमें कब मनाना है वगैरह, ये देखो यूनाइटेड नेशन, और यूनाइटेड नेशन की जो आपको पता है कि एजुकेशनल एंड साइंटिफिक जो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो उसकी एक पार्ट है स्पेशलाइज एजेंसी है, उन दोनों ने इसको ऑर्गेनाइज वो किया गया था। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब देखो किस लिए जो हेरिटेज साइट वगैरह क्या सीन है यहाँ पे, बात ऐसी है कि जो भी पूरे वर्ल्ड में हेरिटेज साइट हैं, चाहे वो कल्चरल अपनी रिलेवेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो या फिर किसी अपना फिजिकल सिग्निफिकेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो, उन साइट्स को क्या है कि सहेज कर रखना है, उनको संभाल के रखना है, क्योंकि वो पूरे वर्ल्ड लेवल पे काफी इंपॉर्टेंस है उनकी। तो उन सबको अगर बचा के नहीं रखा गया तो आगे आने वाले टाइम पे वो सब खत्म हो सकती है। तो हमारी फ्यूचर जनरेशन को हम क्या दे सकते हैं, उसके लिए ही जो वर्ल्ड हेरिटेज डे है उसकी स्टार्टिंग वो की गई थी। तो यह ध्यान रखना है कि 18 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है, और इस बार की थीम है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये चीज यहाँ पे एक पॉइंट है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो कल्चरल और फिजिकल सिग्निफिकेंस की जो चीजें होती हैं उनके लिए एक्चुअली हेरिटेज डे मनाने की बात थी यूनाइटेड नेशन और UNESCO, यूनेस्को के द्वारा। देखो यूनेस्को है, उसका काफी सारा काम होता है, एजुकेशन सेक्टर में भी काम करता है, साइंस सेक्टर में भी काम, शांति स्थापित करने में काफी अहम रोल है इसका। तो ऐसे जो इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ा हमें पता होना चाहिए कि भाई यूएन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है ये। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है ईपीसीएस के बारे में। तो देखते हैं ईपीसीएस के बारे में क्या है। देखो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट है, इसकी ईपी एक्चुअली कॉन्फ्रेंस है वो आयोजित थी, इसके बारे में कुछ कंटेक्स्ट था। अब है क्या काम का हम वो देखते हैं कि यह बॉडी इंपॉर्टेंट हो जाती है। सबसे पहली बात तो है कि टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के अंतर्गत यह बॉडी आती है, क्योंकि नाम से कुछ ऐसा पता नहीं चल रहा है, तो इस पर यूपीएससी यहाँ पे कंफ्यूज कर सकती है। काम क्या है इस बॉडी का, इस बॉडी का काम ये है कि भाई हमारे देश में जो भी हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स है ना, उनको प्रोटेक्ट करना, उनको प्रमोट करना, उनका एक्सपोर्ट है वो बूस्ट करना, इसके साथ ही उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराना जो भी हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनको, इसके साथ ही उनको मेंटेन करते हुए चलना, और एक्सपोर्ट है हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स का उसे सबसे आगे लेके जाना, मतलब इंडिया में जो भी हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स हैं उनका एक्सपोर्ट किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, वो ईपीसीएस के द्वारा ही किया जाता है, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, ये चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। इसके साथ ही सबसे अहम बात क्या है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ये, और 1987 में बनाया गया था। तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि भाई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, 1987 में बना था, काम हमने देख लिया। अब एक बात यह है कि इसके द्वारा कभी एक इनिशिएटिव भी स्टार्ट किया गया था, उसका नाम है वृक्ष इनिशिएटिव। ये वृक्ष इनिशिएटिव है, इसका मेन मोटो ये था कि भाई जो लकड़ी से जो भी हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स बन रहे हैं ना, उन प्रोडक्ट को एक्चुअली देखा जाए कि वो बन किस प्रकार है, कहीं ऐसा तो नहीं है पेड़ पौधों का ज्यादा मतलब एक तरीके से विनाश वगैरह हो रहा हो, या फिर फालतू में हरे पेड़ वगैरह काटे जा रहे हो, तो उनका जो किस तरीके से बनाए जा रहे हैं उन सबको चेक करने के लिए वृक्ष इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया था। तो यूपीएससी पूछ सकते हैं कि वृक्ष इनिशिएटिव किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो भाई जो ईपीसीएच है जो कि टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा इसकी स्टार्टिंग है वो की गई थी। नेक्स्ट आर्टिकल है वो है टॉक टू बुक्स के बारे में। टॉक टू बुक एक्चुअली है गूगल का एक ऑनलाइन बुक एक्सप्लोरर है, मतलब गूगल ने अपना एक सर्विस है वो स्टार्ट की है। इसमें यह किया गया है कि भाई कोई भी अपन को बुक वगैरह चाहिए होती है ऑनलाइन पर रीडिंग करनी है, तो आप इस एप्लीकेशन पे या गूगल का जो पोर्टल है वहां जाके आप उसका कोई भी सेंटेंस वगैरह टाइप कर सकते हो, तो गूगल आपको उस बुक के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देगा। अगर आपने से उस बुक से कोई भी क्वेश्चन पूछा, जैसे कि मान लो कि यूपीएससी की कोई बुक है, उस बुक से आपने गूगल को कोई भी क्वेश्चन पूछा है, तो गूगल आपको उसका रिप्लाई देगा कि हाँ भाई इस बुक का ये रिप्लाई है। तो इस तरीके से ऑनलाइन कम्युनिकेशन के रूप में काफी नया बेनिफिट है गूगल के द्वारा वो लेके आ गया। तो यूपीएससी पूछ सकती है कि टॉक टू जो बुक्स एप्लीकेशन या टॉक टू बुक जो इनिशिएटिव है वो किसने स्टार्ट किया है, तो गूगल के द्वारा स्टार्ट है वो किया गया। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया वो है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट डे के बारे में। एक्चुअली ये कुछ रिपोर्ट्स हैं उनको हम देख लेते हैं, क्योंकि आज आर्टिकल में कुछ ज़्यादा चीज़ थी नहीं। तो ये तीन चार रिपोर्ट्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, बार बार हम जब पढ़ते हैं तो सामने आती रहती हैं। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है वो एक्चुअली UNCTAD के द्वारा जारी की जाती है। क्या है UNCTAD, यह है यूनाइटेड नेशन
कन्वेंशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट तो ये ध्यान रखनी है, ट्रेड एंड डेवलपमेंट ये चीज हमें काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर ट्रेड एंड डेवलपमेंट है उसके द्वारा ये रिपोर्ट हो जारी की जाती है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। इसके बाद में अगली रिपोर्ट वो आती है ग्लोबल लैंड आउटलुक रिपोर्ट। तो ग्लोबल लैंड आउटलुक रिपोर्ट है वो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन के द्वारा जारी की जाती है, UNCCD कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन के, ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि लैंड आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है। इसके बाद में अगली रिपोर्ट है वो है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट काफी ईजी है, ये एक्चुअली ग्लोबल इकोनॉमिक फोरम है उसके द्वारा ये रिपोर्ट है वो जारी की जाती है। इसके बाद में आता है अगली रिपोर्ट, अगली देखो जो रिपोर्ट है वो है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है वो एक्चुअली IMF के द्वारा जारी होकर जाती है, तो काफी पॉपुलर रिपोर्ट है, बार बार न्यूज में आती जाती है, तो यूपीएससी इनको मेज द फॉलोइंग में पूछ सकती है या फिर वहां पे स्टेटमेंट वगैरह के थ्रू भी पूछ सकती है। इसी के साथ एक रिपोर्ट और देख लेते हैं, वो है ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है एक्चुअली। तो ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ही एक्चुअली जारी है, लॉन्च है वो किया जाता है, तो ये चीज हमें कुछ इंडेक्स है और कुछ रिपोर्ट है वो हमने यहाँ पे देखी है। आगे एक्चुअली एक प्रोजेक्ट तेजस्वी के नाम से था, प्रोजेक्ट तेजस्वी सॉरी, तो प्रोजेक्ट तेजस्वी के बारे में यूपीएससी पूछ सकती है, अभी न्यूज़पेपर में आया था। प्रोजेक्ट तेजस्वी है वो एक्चुअली आपको बता दूं कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा स्टार्ट हो किया गया, तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है और मेनली झारखंड के एरिया में, किस लिए, क्योंकि देखो झारखंड के एरिया में नक्सलवादी एरिया काफी ज्यादा है, इसलिए नक्सलवादी एरिया में वुमेन एम्पावरमेंट को इम्प्रूव करने के लिए तथा वहां वुमेन्स को स्किल देने के लिए प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट किया गया। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि तेजस्विनी जो प्रोजेक्ट है वो वर्ल्ड बैंक की हेल्प से झारखंड में स्टार्ट किया गया, क्यों, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट हो किया जा सके और उसके साथ उनको स्किल दी जाएंगी ताकि वो अपना रोजगार वगैरह वो अरेंज कर सके। तो इस तरह के कुछ रिपोर्ट हैं जिनके बारे में यूपीएससी वगैरह पूछ सकती है और जो चीजें हमने यहाँ पे कुछ देख ली हैं। अब आगे का जो आज का क्वेश्चन है वो देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है वो है पेट्रोलियम एंड प्राकृतिक गैस जो नियामक बोर्ड है इसके बारे में है। पहला स्टेटमेंट इसका ये है कि एक तो स्टेचुरी बॉडी है, दूसरा यह है कि इसका जो मेन कार्य है वो जो कच्चा तेल और जो प्राकृतिक गैस होती है उसका प्रोडक्शन करना है। तो कौन सा स्टेटमेंट देखो इनमें से सही है वो आप बताइए। आई होप आपने सोच लिया होगा, पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है कि एक स्टेचुरी बॉडी है, दूसरा स्टेटमेंट देखो गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि देखो यह जो PGNRB है यह एक्चुअली प्रोडक्शन ही करती है, यह प्रोडक्शन को आगे बाद में सिंप्लीफाई करती है, मतलब जो प्रोडक्शन हो गया है उसके बाद उसको रेगुलेट करती है कि कितना जो प्रोडक्शन हुआ है उसको कहाँ कहाँ तो एक्सपोर्ट करना है, कहाँ कहाँ अगर हमें और ज़्यादा जरूरत है ऑयल वगैरह की तो इसको इम्पोर्ट कैसे करना है, किस तरीके से ट्रांसपोर्ट वगैरह करना है, उन सब को किस तरीके से प्योरीफाई करना है, वो सारा काम करता है। मतलब एक तरीके से उत्पादन का काम नहीं करती है, उत्पादन के आगे की जो प्रोसीजर होती है रॉ मटेरियल के आगे की जो काम होता है वो सारा काम इसके द्वारा किया जाता है, तो इसलिए यूपीएससी इस तरीके से कन्फ्यूज है वो कर सकती है। आगे चलो कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो ब्राजीलिया डिक्लेरेशन के बारे में है, तो इसके बारे में बताइए, हमने काफी बार डिस्कस किया है कि ब्राजीलिया डिक्लेरेशन है क्या। देखो ब्राजीलिया डिक्लेरेशन है वो एक्चुअली रोड सेफ्टी के लिए आई थी और अभी इसने इंडिया ने इसको साइन किया था 2010 में, तो इसकी कुछ गाइडलाइंस है वो भी गवर्नमेंट ने अप्लाई है वो की है, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि ब्राजीलिया डिक्लेरेशन है वो रोड सेफ्टी के लिए है। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट है वो है एक्चुअली रोटरडैम कन्वेंशन के बारे में। रोटरडैम कन्वेंशन के बारे में बताना है यह किस लिए है, क्या यह किसी मिसाइल टेक्नोलॉजी को खत्म करने के लिए है या फिर किसी पेस्टिसाइड वगैरह को एक्सपोर्ट इंपोर्ट को रेगुलेट करने के लिए है। देखो रोटरडैम जो कन्वेंशन है वो एक्चुअली पेस्टिसाइड के जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है ना उनको रेगुलेट करने के लिए है, क्योंकि जो खतरनाक पेस्टिसाइड्स होते हैं ना जो रोक वगैरह में यूज किए जाते हैं उनका कई बार क्या, अगर उनको प्रॉपर ढंग से पैकिंग वगैरह नहीं की जाती और अगर उनको जल्दबाजी में इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है तो काफी विनाश हो सकता है, तो इसलिए उनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट को रेगुलेट किया जाता है। इसके साथ ही एक UN की ट्रीटी, ये भी आप ध्यान रखना कि रोटरडैम जो कन्वेंशन है वो एक UN की ट्रीटी है और पेस्टिसाइड के इंपोर्ट एक्सपोर्ट को कंट्रोल करने के लिए ही बनाई गई है, तो ये चीज हमें यहाँ पे इंपोर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट है वो एक्चुअली है FAO के बारे में, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में FAO के बारे में, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, क्या यह UN का पार्ट है। पहला स्टेटमेंट ये है कि UN का पार्ट है, सेकंड स्टेटमेंट ये है कि यह फूड सिक्योरिटी और एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए मतलब डेवलपमेंट के लिए काम हो करता है, तो आपको बताना है कि दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। FAO के बारे में पहला स्टेटमेंट ये है कि क्या यह UN का पार्ट है, दूसरा यह कि फूड सिक्योरिटी एंड एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए काम है वो करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, वो है स्टूनेक्स के बारे में, STUXNET स्टक्सनेक्स के बारे में आपको बताना है कि यह क्या है, क्या यह कोई मिसाइल है या फिर इंडिया का कोई एक्चुअली प्रोग्राम है अंटार्कटिका पे या फिर कोई एक तरीके का वायरस वगैरह है, तो इसके बारे में आपको बताना है कि है क्या यह स्टक्सनेक्स,
यह अभी काफी न्यूज में था, आपको आई होप पता होगा कि ईरान न्यूक्लियर डील से कुछ रिलेटेड चीज है ये। अब तो आई होप आपको याद होगा, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो ये तो थी आज की हमारी डिस्कशन, फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।